अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में चारशंबे की सुबह 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज़, सुबह 6 से 10 बजे दी जाएगी छूट। रियासती काबीना ने अचानक लिया फैसला। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बाजारों में हुजूम, शराब की दुकानात पर शराबियों की भीड़। लॉकडाउन के पेश नज़र शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त दी जाए, शराब के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हुकूमत से मांगी इजाज़त। लॉकडाउन के अचानक ऐलान से मुसलमान परेशान, ईद उल फितर से 2 दिन कबल आयद किए गए लॉकडाउन से छोटे ताजरीन फिक्रमंद। वज़ीर आला KCR लॉकडाउन ना करने के अपने फैसले से मुकर गए। अब खबरें तफसील से। रियासत में लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं, कई दिनों से आवाम में इस बात को लेकर तशवीश थी, लेकिन रियासत तेलंगाना में बिलाखिर 12 मई बरोज़ चारशंबे से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यानी सिर्फ 4 घंटे ही ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी का वक्त दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में आज दोपहर काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के शुरू होते ही कुछ ही देर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जबकि लॉकडाउन को लेकर अभी SOPs भी जारी नहीं किए गए और मुमकिन तौर पर आज शाम तक SOPs जारी किए जाएंगे। ये भी बताया गया है कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा, जबकि टीके की ख़रीदारी के लिए ग्लोबल टेंडर्स तलब करने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, बाज़ारों में आवाम का हुजूम देखा गया, क्योंकि हुकूमत मुसलसिल ये कहती आ रही थी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से रियासत के मौजूदा हालात पर हुकूमत की सरजनिश के बायस पहले रात का कर्फ्यू लगाया गया था और अब मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया, दोनों शहरों में शराब पीने वालों पर जैसे पहाड़ टूट गया और वो फौरी शराब की दुकानात की तरफ भागते हुए नजर आए। दोपहर से शराब की दुकानात पर हुजूम देखा गया और शराबी अपने यहाँ स्टॉक जमा करने की फिक्र में लगे हुए थे। वैसे हुकूमत ने सिर्फ 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन अगर इन शराबियों की माने तब ये लॉकडाउन 1 महीने तक का भी हो सकता है और उन्हें शराब हासिल करनी फिर मुश्किल हो जाएगी। कई शराबी लॉकडाउन के निफास पर हुकूमत और वज़ीर आला KCR पर तनखीद करते हुए भी नजर आए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से काबीन इजलास में अचानक लॉकडाउन के सिलसिले में लिए गए फैसले से तेलंगाना हाई कोर्ट भी हैरान हो गया। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि लॉकडाउन के ऐलान से कबल हुकूमत को चाहिए था कि वो कुछ वक्त दे ताकि दीगर रियासतों के मजदूर अपने आबाई मुकामात को रवाना हो सके, तहम हुकूमत ने बग़ैर कोई वक्त दिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर इसराइली हमले को बदबख्ताना करार दिया। वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों ने हिंद से अपील की गई है कि वो ईद उल फितर सादगी के साथ मनाएं। जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सारे मुल्क में सैकड़ों कीमती जानें ले ली, बहुत सारे ख़ानदानों ने अपने अजीज़ों को खोया है, बेशुमार लोग जिंदगी और मौत
की कश्मकश में दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं। हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद दवाखानों में इलाज कराने से खासिल है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह खारिशुतारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुरहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहीउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी खारी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद तखी रज़ा आबेदी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्ला खारी अलमौसवी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान सलामी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक अली और जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन एडवोकेट ने एक मुश्तरका बयान में आमतुल मुस्लिमीन से कहा है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में खुद भी महफूज रहें और इस वबा से जो भी मुतासिर हो रहे हैं उनकी मुमकिन इआनत करें। फोरम के ज़िम्मेदारों ने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील की है कि ऐसे वक्त में ईद बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं, बाज़ारों में भीड़ ना लगाएं, मास्क लगाना ना भूलें, ईद की ज़बानी मुबारकबाद दें, ईद की नमाज में बड़े मजमे से बचें, एक दूसरे के दरमियान फासला रखने का अहतमाम करें। इसके अलावा खैर उम्मत की हैसियत से आमतुल मुस्लिमीन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वह बावजूद वसाइल की कमी, तंगी और मुश्किल के बिला लिहाज मजहब मिल्लत मुसीबत ज़दा मखलूक खुदा की खिदमत करें। खुतबा और आयमा से गुजारिश है कि वो ईद की नमाज के मौके पर कोरोना वायरस की वबा के मुकम्मल खात्मे के लिए दुआ करें और दूसरी जानिब बैतुल मक़दस और मजीद अक्सा में हो रही झड़पों और मुसलमानों पर इसराइल की बर्बरीत के ख़िलाफ़ फोरम के ज़िम्मेदारों ने दुख का इजहार करते हुए तमाम मुसलमानों से गुजारिश की है कि इन शहदा के हक़ में दुआ मगफ़रत करें और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी और क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए भी इस मौके पर दुआ की जाए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखला किशन रेड्डी ने वारिस गुड़े में हाइड्रो सोडियम क्लोराइड का छिड़काव का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मास्क का इस्तेमाल पुलिस के डर और खौफ से करने की बजाय अपनी ज़िंदगी और सेहत का ख्याल रखते हुए मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत को लॉकडाउन लागू करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है, जबकि उन्होंने आवाम से अपील की कि वह अपने अफराद ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखते हुए शादियों और दीगर तकारीब को मुलतवी कर दें या इन तकारीबात को घर तक ही महदूद रखें। बीयर एंड वाइन सप्लाई एसोसिएशन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि अगर हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करना चाहती है तो बीयर और वाइन की फरोख्तगी होम डिलीवरी के ज़रिए करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल माह मार्च में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। साबिक सदर व सीनियर पार्लियामेंटेरियन मरहूम सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी अलैह रहमा की बरसी 29 रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से मजलिस की जानिब से किंग कोटी हॉस्पिटल को मेडिकल अशिया का अतिया दिया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपली जाफर हुसैन मेराज ने मस्कुरा मेडिकल अशिया जिनमें 100+ ऑक्सीमीटर्स, 10 BP एपरेट्स और 1 ECG मशीन शामिल हैं उन्हें हॉस्पिटल इंतजामिया के हवाले किया। मस्कुरा अशिया की जुमला मालियत 3,30,000 रुपये बताई गई है। कबल अज़ीं जाफर हुसैन मेराज और मोहम्मद मौज़ूम खान ने मस्कुरा अशिया सदर मजलिस रुकन पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी से हासिल की। मल्लेपल्ली नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर जफर खान ने GHMC के जारब कश स्टाफ में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सदर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि वो अपने ज़ाती खर्चे से वर्कर्स के लिए कपड़े खरीदे हैं ताकि ईद उल फितर की खुशियों में उन्हें भी शामिल किया जा सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर लाइन बाज़ार डिवीजन मोहम्मद वासिउद्दीन ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर अदवियात के छिड़काव को यकीनी बनाया। वाज़ह है कि कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान GHMC और DRF टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर सोडियम क्लोराइड और दीगर दवाओं का छिड़काव अमल में लाया जा रहा है।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सईद अहमद पशाखारी ने चार मीनार मंडल के तहत दबीलपुरा याकुतपुरा मदीना नगर तालाब कट्टा वाहिद कॉलोनी बीवी बाजार चौराहा चंद्रा नगर SRT कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 100 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,11,600 रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नसीन सुल्ताना, मुजफ्फर हुसैन वासीउद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से दिए जाने वाले तहाइफ की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले के तहत जलपली म्यूनसिपल्टी इलाके शाहीन नगर में वाक़े एक फंक्शन हॉल में गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमज़ान तहाइफ की तकसीम जलपली म्यूनसिपल्टी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन भी मौजूद थे। आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि लोगों के लिए पैकेज बांटने के लिए गरीब और गरीब लोगों में बांटने के लिए किया जा रहा होगा। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारे TRS प्रेसिडेंट उमर बिन खलीफा आपके सामने कुछ अल्फाज बैठे बरकत। ये हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट KCR साहब की तरफ से हर रमज़ान जो ये कपड़ों के जो कीटा आते हैं इसके बाद फिर जो है सोना जो गरीब लोगों को यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपल में 1 से लेकर 28 वार्ड तक जो भी थोड़ा थोड़ा जो भी हो सका उसमें जो है ना दे रहे हैं। हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन साहब भी जो है ना यहाँ पर आए हुए हैं, अब्दुल्ला साथी साहब, और हमारे वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल साहब भी है, और हमारे जो है ना पूरे काउंसलरा भी है जलपल्ली म्यूनसिपल के। सब जनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में नमाज ईद उल फितर 6 बजे अदा की जाएगी जबकि नमाज फजर 5:15 पर होगी। मोतमद तौलीद कमेटी खाजी सैयद शाकिर अली के मुताबिक मौलाना हाफिज़ बुखारी, सैयद आसिम नक्शबंदी, इमाम व खतीब मस्जिद फ़राइज़ इमामत अंजाम देंगे जबकि नमाज ईद उल फितर से कबल सदर कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार फ़ज़ाइल ईद उल फितर बयान करेंगे और सालाना रिपोर्ट भी पेश करेंगे। TRS قائد مخلص چندہ نے رمضان المبارک کے آخری ہفتے تک بھی لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں نہ لانے پر وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر داخلہ محمود علی سے اظہار تشکر کیا۔ عبد المخلص چندہ نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کی اجازت کی وجہ سے باوجود رات کے کرفیو کے تمام مساجد میں تراویح کا نظم کیا گیا۔ مخلص چندہ نے ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم کے اقدامات کی بھی ستائش کی اور ان کی مکمل تائید کی۔ TRS پارٹی کے خصوصاً رکن اسمبلی جناب شکیل عامر صاحب اپنے حلقے میں 800 آکسیجن کے سلنڈر کی تقسیم کیا انہوں نے اور آکسیجن بڈ کی فراہمی کے لیے انتظام کیا۔ ان کے والد کے انتقال کے 1 مہینے کے اندر وہ پھر سے عوام کے اندر رہ کے بڑے پیمانے پر ان کے حلقے اسمبلی میں عوامی خدمت کر رہے ہیں۔ پورے تلنگانہ کے کوئی رکن اسمبلی نے ایسا کام نہیں کیا جیسا کام TRS کے رکن اسمبلی شکیل عامر صاحب کر رہے ہیں۔ محمود علی صاحب پر لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محمود علی صاحب وزیر داخلہ ہیں، اسی لیے رات کا کرفیو ہونے کے بعد ہر مسجد میں تراویح کی نماز بلا خلل پڑھی گئی، پولیس نے کوئی خلل۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آندھرا پردیش کے تروپتی میں واقع رویا اسپتال میں ایک سنگین سانحہ رونما ہوا جس میں 5 منٹ کے وقفے میں آکسیجن کی سربراہی رک جانے پر کرونا کے 11 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ چتور کے ضلع کلکٹر ہری نارائن نے بتایا کہ آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ کے باعث 11 کرونا متاثرین کی موت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ چنئی سے آکسیجن ٹینکر کی آمد میں 5 منٹ کی تاخیر کے باعث پیش آیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ایک بڑا حادثہ ٹل گیا کیونکہ ہاسپٹل میں 1000 کرونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ ٹینکر پہنچنے کے فوری بعد آکسیجن کو بحال کر دیا گیا۔ آکسیجن پریشر کا مسئلہ پیر کی شب 8:30 کے درمیان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مریضوں کی حالت مستحکم ہے اور کسی کو بھی تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپتال میں کسی تکنیکی پریشانی کی اطلاع نہیں ملی۔ کلکٹر نے بتایا کہ 30 کے قریب ڈاکٹرز کورونا کے مریضوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن
जगनमोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असेंबली हलके कारवान कौसर मुहिद्दीन ने जोनल कमिश्नर GHMC के हमराह कारवान हलके में बनाए जा रहे मेक शिफ्ट कोविड केयर सेंटर का तफसीली मुआयना किया। वादा रहे कि कारवान के इलाके वाक़ शादी खानों में GHMC की जानिब से मेक शिफ्ट कोविड केयर सेंटर्स आर्जी तौर पर बनाए जा रहे हैं, जहाँ तकरीबन 100 बिस्तरों की गुंजाइश रखी जा रही है। मजलिस रुकन असेंबली कौसर मुहिद्दीन ने GHMC की जानिब से किए जा रहे इंतजाम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में चारशंबे की सुबह 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज, सुबह 6-10 बजे दी जाएगी छूट। रियासती काबीना ने अचानक लिया फैसला। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बाजारों में हुजूम, शराब की दुकानात पर शराबियों की भीड़। लॉकडाउन के पेश नज़र शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त दी जाए, शराब के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हुकूमत से मांगी इजाज़त। लॉकडाउन के अचानक ऐलान से मुसलमान परेशान, ईद उल फितर से 2 दिन कबल आयद किए गए लॉकडाउन से छोटे ताजरीन फिक्रमंद। वज़ीर-ए-आला KCR लॉकडाउन ना करने के अपने फैसले से मुकर गए। नाज़रीन रुबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रुबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रुबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।